दोस्तों, आजकल आप लोगों ने बिटकॉइन के बारे में जरूर सुना होगा। ये डे बाय डे काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बिटकॉइन होता क्या है, इसका बेसिकली क्या यूज है? तो चलिए ये दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन की कि आखिर में ये बिटकॉइन है क्या, इसका बेसिकली क्या यूज है। तो बिटकॉइन बेसिकली एक वर्चुअल और क्रिप्टो करेंसी है, जिसका मतलब ये है कि इस पैसे को ना तो आप देख सकते हो ना ही छू सकते हो। ये एक तरह का सीक्रेट पैसा है जिसे आप इंटरनेट में किसी वॉलेट में सेव करके रखते हैं। इसकी मदद से आप इंटरनेट में किसी भी चीज को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको इंटरनेट में कोई चीज खरीदना है तो उसकी जगह पे आप वो ले सकते हैं और उसे बिटकॉइन दे सकते हैं, या फिर अगर आप किसी चीज को बेचना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये एक तरह का डिजिटल करेंसी है जो आप इंटरनेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रुपए, डॉलर और पाउंड, ये सारे पैसे होते हैं, सेम बिटकॉइन भी एक तरह का पैसा ही है। बस फर्क इतना है कि इसे आप ना तो छू सकते हो और ना ही देख सकते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल आप किसी भी तरह कर सकते हो। बिटकॉइन करेंसी का आविष्कार 2009 में संतोषी नाकामोती ने किया था। उस वक्त ये करेंसी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, जिसकी वजह से इसकी कीमत काफी ज्यादा कम थी। उस वक्त इसकी कीमत करीब $0.003 के आसपास थी। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे वन बिटकॉइन प्राइसिंग 2009, तो वहां पर गूगल आपको क्लियरली बता देगा कि 2009, 2010 और 2011 में एक बिटकॉइन कीमत कितनी थी। लेकिन अगर आप आज इसे कंपेयर करें तो आज एक बिटकॉइन की कीमत करीब $10,000 से भी पार है, यानी इसकी कीमत लाखों में है। तो इसकी जो कीमत है वो दिन प्रतिदिन घटती बढ़ती जाती है, तो कोई फिक्स नहीं है कि इसका जो अमाउंट होगा यानी इसका जो पैसा होगा एक बिटकॉइन की कीमत वो कितना होगा। डे बाय डे इसका जो पैसा वो घटता बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आपको फिलहाल एक बिटकॉइन की कीमत जाननी है, यानी करंट जो बिटकॉइन की कीमत चल रही है वो आपको पता करना है, तो आपको सिंपली गूगल पे जाके सर्च करना है वन बिटकॉइन प्राइस टू INR, तो वहां पर आपको गूगल बता देगा कि एक बिटकॉइन की कीमत जो फिलहाल वो कितनी है। तो इस तरह आप एक बिटकॉइन की कीमत पता कर सकते हैं गूगल में जाके। तो दोस्तों यही होता है बिटकॉइन, यही इसका यूज होता है।